गिरिडीह जिले में कथित तौर पर बूटों से कुचलकर एक नवजात शिशु को मार डालने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। घटना बुधवार को जिले के कोसो गोंदो दीदी गांव में हुई है। पुलिस एक आरोपी की तलाश में उसके घर गई थी। आरोपी मृतक बच्चे का दादा है। पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर एक कमरे के अंदर बंद सो रहे शिशु को बूटों से कुचला। स्थानीय लोगों के मुताबिक देवरी पुलिस स्टेशन के प्रभारी संगम पाठक के नेतृत्व में टीम आरोपी भूषण पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उसके घर गई थी। पुलिस को देखकर भूषण के परिवार के सभी सदस्य नवजात को घर में अकेला छोड़कर फरार हो गए। मृतक की मां नेहा देवी ने बताया कि जब पुलिसकर्मी घर के नुक्कड़ और कोने की तलाशी ले रहे थे तब उनका 4 दिन का बच्चा अंदर सो रहा था। पुलिस की टीम के जाने के बाद घर पहुंचने पर उन्होंने अपने बच्चे को मृत पाया। मृतक नवजात की मां और भूषण पांडे समेत घर के अन्य सदस्यों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बच्चों को बूटों से कुचल कर मार डाला। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने इस मामले की जांच चल रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश संविधान के अनुसार चलता है और इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। JTN न्यूज़ ब्यूरो।